भारतीय जनता पार्टी झारखंड में 5 साल के इंतजार को साल 2024 के चुनाव में खत्म करने की कोशिश में है, लेकिन इसके लिए उसे इंडिया गठबंधन की चुनौती से पार पाना होगा। साथ ही ये भी देखना होगा कि पार्टी झारखंड में अपने अनलकी 12 के आंकड़े से दूर ही रहे। भगवा पार्टी 12 के आंकड़े से दूर रहते हुए 14 वाले आंकड़े को छूना चाहेगी। झारखंड में 14 वाला आंकड़ा उसके लिए सुखद रहा था और पहली बार राज्य में रघुवर दास सरकार ने अपने 5 साल पूरे भी किए थे। झारखंड को साल 2000 के नवंबर में बिहार से अलग करते हुए नए राज्य के रूप में सृजित किया गया। तब यहां पर बिहार विधानसभा के लिए चुनाव कराया गया था। साल 2005 में पहली बार नए राज्य के रूप में देश के नक्शे पर आए झारखंड में विधानसभा चुनाव कराया गया। अब तक यहां पर हुए 4 चुनावों में साल 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद शानदार रहा, क्योंकि पहली बार उसने यहां पर बढ़िया प्रदर्शन किया था। 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में 2014 में हुए चुनाव में बीजेपी ने 72 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें उसने 37 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि एक सीट पर जमानत भी जब्त हो गई थी। साथ ही पार्टी का वोट शेयर 31.8% जो काफी बढ़ गया था, लेकिन पार्टी के साथ 9 और 12 का आंकड़ा अनलकी साबित हुआ। राज्य में हुए पिछले 4 चुनावों के परिणाम को देखें तो ये एक नहीं बल्कि 2-2 बार हुआ। झारखंड में पहली बार 2005 में विधानसभा चुनाव कराए गए थे, तब पार्टी ने 63 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें उसे 30 सीट पर जीत मिली, लेकिन 2009 में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। 2005 की तुलना में 2009 के चुनाव में उसकी 12 सीटें कम हो गई और उसे सत्ता से दूर होना पड़ा। तब उसने 67 सीटों पर किस्मत आजमाई थी, लेकिन उसे महज 18 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। साल 2009 में मिली शिकस्त के बाद 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अब तक की शानदार जीत हासिल हुई। 72 सीटों में से 37 सीटों पर उसके प्रत्याशियों को जीत मिली। बीजेपी पहली बार बहुमत के साथ सरकार बनाने में भी कामयाब रही। चुनाव में बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के 8 में से 6 विधायक 2015 की शुरुआत में बीजेपी में शामिल हो गए। बाद में विधानसभा स्पीकर ने इस विलय को अपनी मान्यता भी दे दी, जिससे राज्य में रघुवर दास की सरकार की स्थिति और मजबूत हो गई। रघुवर ने पूरे 5 साल अपनी सरकार चलाई और वो झारखंड में ऐसे करने वाले पहले मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी के लिए एक बार फिर 9 और 12 का आंकड़ा अशुभ साबित हुआ। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने काफी मेहनत की, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। साथ ही 2014 की तुलना में उसकी 12 सीटें फिर से कम हो गई। इससे पहले 2009 में भी बीजेपी को 12 सीटें कम हुई थी, अब 2019 में भी उसकी इतनी ही सीटें कम हो गई हैं। साल 2019 में बीजेपी ने पहली बार 79 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन 12 सीटों के नुकसान के साथ वो महज 25 पर सिमट गई। हालांकि बीजेपी के लिए राहत की बात ये रही कि उसके वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ और पहली बार 33% से ज्यादा वोट अपने नाम कर लिया। अब देखना होगा कि बीजेपी 2024 के चुनाव में 2014 वाला ऐतिहासिक प्रदर्शन को दोहरा पाती है या फिर 2009 और 2019 के अनलकी 12 के संयोग के साथ परिणाम हासिल करती है। ये खबर आपके लिए लिखी थी सुरेंद्र कुमार वर्मा ने। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।